सामाजिक, राजनीतिक और सामान्य समाचारों के लिए देखते रहिए ईजे टीवी न्यूज लाइव। ईजे न्यूज में आपका स्वागत है। आज देगलूर के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कार्यालय में एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें राष्ट्रवादी के सीनियर नेता हरिहर राव भोसीकर, मोहम्मद खान पठान के अलावा दीगर कई नेतागण मौजूद थे। आज की ये बैठक कल के महाराष्ट्र बंद को लेकर रखी गई थी। इस अवसर पर हरिहर राव भोसीकर ने कल के बंद को कामयाब बनाने के लिए राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं को पूरी ताकत के साथ काम करने की हिदायत दी और उन्होंने कहा कि आने वाले पोर्ट निवडणूक में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार जितेश अंतापुरकर के साथ है। इस अवसर पर मोहम्मद खान पठान ने भी अपने बयान में कहा कि अल्पसंख्यक समाज इधर उधर ना देखते हुए सिर्फ और सिर्फ महाविकास आघाड़ी के कांग्रेसी उम्मीदवार जितेश अंतापुरकर को ही अपना वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। इस मौके पर हरिहर राव भोसीकर ने मीडिया से बात की, देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र मध्ये उद्या दिनांक 11 रोजी महाविकास आघाड़ी मार्फत महाविकास आघाड़ीचे जे तीन घटक पक्ष आहेत, राष्ट्रवादी कांग्रेस, कांग्रेस आणि शिवसेना यांनी संयुक्तपणानं त्या ठिकाणी उत्तर प्रदेशामध्ये जी घटना घडली, त्या शेतकऱ्याला त्या ठिकाणी चिरडून मारण्याचा प्रयत्न केला, आंदोलन त्या ठिकाणी दडपण्याचा प्रयत्न केला, त्या घटनेचा तीव्र निषेध नोंदवण्याच्या दृष्टीनं सर्व लोकांनी त्या ठिकाणी चांगल्या प्रकारे बंद पाळून केंद्र सरकारचा आणि त्या घटनेचा तीव्र निषेध त्या ठिकाणी करण्याच्या दृष्टीनं संयुक्तपणे आवाहन केलंय। आमचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील साहेब यांनी आम्हा सर्व जिल्हाध्यक्षांना उद्या त्या ठिकाणी याच्यामध्ये सहभाग नोंदवण्याची सांगितलेलं आहे। जिथं जिथं आम्हाला आमच्या ह्या तिन्ही पक्षासोबत सहभाग नोंदवता येईल तिथं आम्ही त्या ठिकाणी संयुक्तपणानं त्या ठिकाणी हा बंद यशस्वी करण्याच्या दृष्टीनं प्रयत्न करू। ज्या ठिकाणी सहकार्य मिळत नसेल त्या ठिकाणी आमचा पक्ष स्वतंत्रपणानं त्या ठिकाणी हा बंद यशस्वी करण्याच्या दृष्टीनं निश्चितपणानं प्रयत्नशील राहील। आपल्याला माहीत आहे की देगलूर आणि बिदोली विधानसभा मतदारसंघाची त्या ठिकाणी स्वर्गीय अंतापुरकर साहेब यांचं निधन झाल्यामुळं रिक्त झालेल्या जागेची त्या ठिकाणी निवडणूक आहे। ही जागा पूर्वी काँग्रेस पक्षाला असल्यामुळं त्या ठिकाणी महाविकास आघाडीच्या तिन्ही नेत्यांनी समन्वयानं ती जागा पुन्हा काँग्रेस पक्षाला दिली असल्यामुळं आणि जितेश अंतापुरकर हे एक तरुण चांगले होतकरू एक इंजिनियर असलेला कार्यकर्ता त्या ठिकाणी उमेदवार म्हणून दिलेला आहे। तिन्ही पक्षाची ताकद जितेश अंतापुरकर यांच्या पाठीमागे त्या ठिकाणी कमीपणानं राहणार आहे। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आमचे दोन्ही तालुक्यातले सर्व प्रमुख कार्यकर्ते, गावपातळीवरचे कार्यकर्ते या ठिकाणी जितेश अंतापुरकर यांना निवडून आणण्याच्या दृष्टीनं प्रयत्नशील राहणार आहेत। अशोकराव चव्हाण साहेब स्वतः या जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत, त्यांनीही चांगल्या प्रकारचा निधी या त्या ठिकाणी तालुक्याला, देगलूर तालुक्याला देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। म्हणजे महाविकास आघाडी सरकारमार्फतच चांगला निधी या जिल्ह्याला त्या ठिकाणी प्राप्त करण्याच्या दृष्टीनं प्रयत्न झालेले आहेत। तेव्हा आणखी पुढेही महाराष्ट्रामध्ये महाविकास आघाडीचं सरकार असल्यामुळं या मतदारसंघाचा निश्चित उर्वरित विकास त्या ठिकाणी तिन्ही पक्ष मिळून करणार आहेत। आपण सर्वजण आमचे कार्यकर्ते त्या ठिकाणी याच्यामध्ये सहभाग घेऊन जितेश अंतापुरकर यांना त्या ठिकाणी निवडून आणण्याच्या दृष्टीनं सक्षमपणानं प्रयत्न करणार आहे। काल देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं की 1050 कोटी जे छापे टाकण्यात आले त्याबद्दल आपण काय म्हणणार? आपल्याला माहीत आहे की सर्वच वृत्तपत्रात त्या ठिकाणी बातम्या छापून आल्या, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांना सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर प्रसिद्धी दिली। अजितदादाच्या काही नातेवाईकावर सूडबुद्धीनं त्या ठिकाणी छापे मारण्यात आले। वास्तविक दादांचा आणि त्यांच्या व्यवहाराचा कुठेही संबंध नसताना केवळ महाविकास आघाडीला बदनाम करण्याच्या दृष्टीनं आपल्याला माहीत आहे की राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये अजितदादा एक आक्रमक
स्वरूपाचे नेते आहेत. कामाचा त्यांचा सपाटा त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर असतो. त्याला कुठे कुठेतरी ब्रेक लावण्याच्या दृष्टीनं मागच्या 5-6 महिन्यामध्ये आपण पाहिलं असेल की महाविकास आघाडीच्या विशेषतः राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या नेत्यांना टार्गेट करून त्या ठिकाणी छापे मारून बदनाम करण्याच्या दृष्टीनं त्यांचा प्रयत्न चालू आहे. जेणेकरून हे सरकार कसं पडेल अशा प्रकारची त्यांची भूमिका आहे. परंतु तेवढ्याच मजबूतीनं हे तिन्ही पक्ष त्या ठिकाणी हे सरकार चालवतात. मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे साहेब, उपमुख्यमंत्री म्हणून अजितदादा पवार हे अत्यंत चांगल्या प्रकारे सक्षमपणाने त्या ठिकाणी आपण पाहिलं असेल की मागच्या काळात कोविडची अत्यंत कठीण परिस्थिती असतानासुद्धा आमचे जे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आरोग्यमंत्री आहेत आपल्या महाराष्ट्राचे राजेश टोपे यांनी अत्यंत महाराष्ट्रामध्ये उत्कृष्ट त्या ठिकाणी काम केलं आहे. कोविडची परिस्थिती सक्षमपणाने त्या ठिकाणी हाताळलेली आहे. तेव्हा हे सरकार सर्व आघाड्यावर यशस्वी होत असले हमारा जो मिशन है राष्ट्रवादी काँग्रेस अल्पसंख्यक विभाग का जिसका मुझे महाराष्ट्र का प्रदेश अध्यक्ष पद पर नियुक्ति की गई तो वो मैं सबसे पहले तो हमारे आदरणीय नेतागण राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे प्रेरणा स्थान उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने बड़े पद के ऊपर मुझे विराजमान किया है. 1,70,00,000 के आसपास पूरे महाराष्ट्र के मुसलमान हैं. उनका नेतृत्व मैं करने जा रहा हूँ. साथ ही साथ हमारे अल्पसंख्यक विभाग में सिर्फ मुसलमान ही नहीं आते हैं बल्कि हमारे सिख भाई आते हैं, क्रिश्चियन भाई आते हैं, जैन समाज के भाई आते हैं, पारसी समाज के भाई आते हैं, नवभूत समाज के भाई आते हैं. इसमें एक बड़ा तबका मुसलमानों का भी है. लेकिन मैं साथ ही साथ ये बताना चाहता हूँ मुसलमानों का जो ताकत है इसकी जो परिस्थिति है आज बोलने का मतलब एजुकेशन नहीं होने की वजह से काफ़ी हद तक के बोलने का मतलब इसमें गरीबी रेशे के अंदर आ चुकी है. लिहाजा हमारा यही मिशन है कि मुसलमानों के अंदर एजुकेशन, आरक्षण और शिक्षण इसके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हैं. मैं 25 से 27 जिले घूम चुका हूँ जिसमें बोलने का मतलब आरक्षण, शिक्षण और मुसलमानों के हित में जो भी निधि आती है, जो महामंडलों से निधि आती है हमारे बच्चों और लड़कियों और लड़कों के लिए, सभी कम्युनिटी जो माइनॉरिटी समाज के अंदर आते हैं, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में आते हैं, उनके लिए तत्परता के साथ काम करने के लिए मैं वचनबद्ध हूँ और काम कर रहा हूँ. जो भी बेनिफिट या गवर्नमेंट की स्कीम्स है वो तमाम समाज को बता रहा हूँ और उन तक सैंक्शन कर उन तक के पहुँचाने की कोशिश पूरी कर रहा हूँ. और साथ ही साथ देगलूर तालुके के अंदर हमारे समाज की बहुत अच्छी पोजीशन है और माइनॉरिटी समाज यहाँ पर अच्छी संख्या में है. और मैं यही तमाम समाज के बिरादरी को यही एक रिक्वेस्ट करता हूँ, उनसे विनंती करता हूँ, आदबन गुजारिश करता हूँ कि आने वाले पोर्ट निवडणूक के अंदर हमारे आघाड़ी का जो कैंडिडेट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मत देकर उसको फुल बहुमत के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा लीड के साथ चुना के लाने में अहम भूमिका निभाए. इसके पहले भी हमारा समाज देगलूर के अंदर चाहे वो नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, ग्राम पंचायत हो, जिला परिषद हो, इसके अंदर अहम भूमिका निभाते आ रही है. और आने वाले दिनों में इलेक्शन के अंदर मैं भी उनको परसेप्शन करूंगा डोर टू डोर, वार्ड टू वार्ड जाकर इस तरीके से पूरे शहर और इस तरीके से पूरे मतदार संघ के अंदर हम अल्पसंख्यक समाज में जितने भी घटक दल आते हैं सबसे विनंती करके आने वाले पोर्ट निवडणूक को अच्छी बहुमत के साथ वो कैंडिडेट को चुना के लाने की अहम भूमिका समाज हमारे अल्पसंख्यक समाज की तरफ से करेंगे. और साथ ही साथ ये कल का जो बंद है हमारे तीनों आघाड़ी सरकार घटक दल की तरफ से, इसको मैं सभी तमाम कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी और राष्ट्रवादी के अल्पसंख्यक समाज के जिला अध्यक्ष और कार्याध्यक्ष और जिला के तमाम कार्यकर्ता, इनसे विनती करता हूँ ये बंद की भूमिका लीजिए, भूमिका में हम ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय होकर इसमें प्रवेश लें और इसमें इसको कामयाब बनाने की कोशिश करें. सर, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि उनके उम्मीदवार को ये इस पोर्ट नोड में विधानसभा के मुस्लिम वोट मिल सकते हैं, उस पर आप क्या बोलना चाहिए? देखिए, बोलने के लिए तो बहुत कुछ हो सकता है. मुसलमान जब उन्होंने ऐसा बोलते हैं तो मुसलमान ट्रिपल तलाक नहीं भूलता,
मुसलमान बोलने का मतलब लव जिहाद नहीं बुझता, मुसलमान मॉब लिंचिंग नहीं बुझता, मुसलमान बोलने का मतलब जो अत्याचार जुल्म मुसलमानों के ऊपर हो रहे हैं वो कभी नहीं भूलता। ये सब जो अत्याचार हो रहे हैं, लव जिहाद है, ट्रिपल तलाक है, 370 एक्ट है, ये सारी चीज़ें मुसलमान भूल नहीं सकता। मुसलमानों को अगर से कोई पार्टी है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो अल्पसंख्यक विभाग को, अल्पसंख्यक समाज के तमाम लोगों को न्याय देते आ रही है, चाहे वो MLC के रूप में हो, राज्यसभा के रूप में हो, माइनॉरिटी कमीशन के रूप में हो या माइनॉरिटी के अध्यक्ष के रूप में हो। मुसलमानों को ज़्यादा झुकता माफ या अदल और इंसाफ का काम किया है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस ने पार्टी किया है। अब बोलने को कोई कुछ भी बोलेगा उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारे जो मुसलमान समाज के लोग हैं या अल्पसंख्यक समाज में जितने भी घटक दल आते हैं उनको अच्छी तरीके से मालूम है कि कौन न्याय दे सकता है, कौन इंसाफ दे सकता है और कौन हमारे हित के लिए काम करता है। इसीलिए शंका कुशंका की कोई बात नहीं, एकजुट होकर मुसलमान पूरे हमारे आघाड़ी का जो कैंडिडेट है उसको वोटिंग करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज के अंदर वोटिंग करेंगे और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हमारा जो कैंडिडेट है आघाड़ी का बहुमत के साथ फुल लीड के साथ चुनकर आएगा। इसमें कोई शंका कुशंका नहीं है। कोई दो येऊन सर्व सेलच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्याची बैठक घेतली, नामदार अजितदादा पवार यांच्या कुटुंबियावर जो इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटनं कारवाई करण्याचा प्रयत्न केला आहे त्यामध्ये अजितदादाने सांगितलं की दूध का दूध होईल, पाणी का पाणी होईल। त्यासंबंधी जे केंद्र शासन महाराष्ट्र राज्यातील महाविकास आघाडीचं सरकार अस्थिर व्हावं यासाठी वेगवेगळ्या त्यांच्या यंत्रणांचा वापर करत आहे, त्याचा निषेध कालच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीनं करण्यात आलेला आहे। उद्या ज्या शेतकऱ्यांच्या अंगावर केंद्रीय मंत्र्यांच्या मुलांना गाड्या घालून चिरडलं त्यांना, त्या लखमापूर येथील प्रकरणाबद्दल महाराष्ट्र महाविकास आघाडीनं उद्या महाराष्ट्र बंदचं आवाहन केलेलं आहे। त्या संदर्भात कालच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीनं उपविभागीय अधिकारी, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, पोलीस निरीक्षक, तहसीलदार या सर्वांना रिसर निवेदन देण्यात आलेलं आहे। देवळी शहरातील सर्व व्यापारी संघटनांना पत्र देऊन उद्याच्या संपामध्ये सहभागी होण्यासाठी विनंती करण्यात आलेली आहे। आपल्याला माहितीच आहे की आपल्या देगलूर बिलोली विधानसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक असल्याकारणानं आचारसंहितेमध्ये कार्यकर्त्यांना रस्त्यावर येणं बंधनकारक आहे, त्यामुळं कमी प्रमाणात 4-6 असं कार्यकर्ते फिरून व्यापाऱ्यांना असं काही आवाहन करायचं ठरलं आहे। पोटनिवडणुकीसंदर्भामध्ये आपलं काय मत आहे? महाविकास आघाडीचे उमेदवार श्री जितेश रावसाहेब अंताकुकर यांनी निवडणुकीचं नॉमिनेशन भरलेलं आहे आणि त्यांचं समर्थन पूर्णपणे महाविकास आघाडीच्या कार्यकर्त्यांनी करण्याचं ठरवलेलं आहे। प्रदेश कार्यकारिणीकडून आणि जिल्हा कार्यकारिणीकडून आम्हाला तसे आदेश सुद्धा आलेले आहेत। कोणत्याही परिस्थितीमध्ये देगलूर मतदारसंघाचं पंढरपूर होणार नाही याची दक्षता पालकमंत्र्यापासून ते माझ्यासारख्या कार्यकर्त्यापर्यंत सर्वांनी विचार केलेला आहे आणि या भागामध्ये परत महाविकास आघाडीचा उमेदवार विजय व्हावा यासाठी आम्ही सर्वांनी एकत्रपणे काम करणं ठरवलं आहे। सामाजिक, राजनैतिक और सामान्य समाचारों के लिए देखते रहिए EJTV News Live।